बताइए, ये चूँकि लोग बहुत ये बोलते हैं एक बात कि मशीन ये बहुत कॉस्टली है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं खुद भी ये सवाल काफ़ी सुनती हूँ कि ये मशीन बहुत कॉस्टली है। पर मेरा उनसे एक ही सवाल है कि जब हम एक अच्छी कार लेते हैं या एक अच्छे हॉलिडे पे जाते हैं एंड ये सब हम कुछ अपनी फैमिली के लिए करते हैं, तो वो चीज़ लेनी जो पूरी फैमिली को एक हेल्थ बेनिफिट देती है, वो कॉस्टली कैसे आपको लगती है? एक ऐसी चीज़ जो आपकी हर एक डिजीज़, हर एक वाई ओनली डिजीज, मतलब इट्स गोना टेक केयर ऑफ योर हेल्थ थ्रू आउट, लाइक हैविंग अ परमानेंट सोल्यूशन टू ऑल योर अपकमिंग हेल्थ इश्यूज। दिस थिंग कैन नॉट बी एक्सपेंसिव, इट्स अ मिथ, कंप्लीटली अ मिथ। जब आप कार लेते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, सबके कंफर्ट के बारे में सोचते हैं, सो ये हेल्थ इज दी प्रायोरिटी ऑफ ईच वंस लाइफ। आपके घर के हर एक मेंबर की हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप उनको एक कार गिफ्ट किए, उसे डिले करें और इस मशीन को पहले लें। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं, जब आप कार फाइनेंस करते हैं या सडनली कोई हेल्थ इश्यू आते हैं, लेट्स नॉट यू नो कम ऑन टू लग्जरी थिंग्स, हम उस तक की वेट क्यों करते हैं कि हमारे लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आए जब हमें सडन हॉस्पिटलाइजेशन देखना पड़े एंड तब हमें पैसों का अरेंजमेंट करना ही पड़ता है, तो इसके लिए क्यों नहीं? वो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। दैट मीन्स अगर हम पहले से ही अपने आप को हेल्दी रखेंगे एंड हेल्थ कॉशियस रहेंगे चीज़ों को लेके, हमें इन चीज़ों की हॉस्पिटलाइजेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड डेफिनेटली इसकी कॉस्ट एक आईसीयू के 4 डे के स्टे से कम है, आप उसे कैलकुलेट करके देखिए ना। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इररिलेवेंट सी बात है कि इस मशीन की कॉस्ट ज़्यादा है। इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी एंड योर फैमिली एंड नथिंग एल्स। थैंक यू मैडम। थैंक यू। क्या लंबे समय तक काम और थकान की वजह से गर्दन और कंधों में जकड़न है? क्या लंबे समय तक चलने से कमर में दर्द है? या फिर बढ़ती उम्र के कारण जकड़ी हुई पीठ और कमर की वजह से आपको पीठ और कमर का दर्द होता है? क्या मोबाइल के इस्तेमाल से गर्दन में जकड़न होती है और मांसपेशियों में दर्द होता है? साफ सफाई, खाना बनाने या घर के अन्य काम से आपको गर्दन, पीठ या कमर की मांसपेशियों में लगातार दर्द रहता है? लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से क्या आपकी मांसपेशियां जकड़ जाती है? व्यायाम करने के बाद भी मांसपेशियों में जकड़न रहती है? तो अभी से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। न्यूगाबेस स्पाइन को गहराई से अभ्यास करके स्पाइन को केंद्र में रखकर मांसपेशियों के दर्द में आराम देने वाला मेडिकल डिवाइस बनाया गया है N5, जिसमें 3 हीटिंग प्रोजेक्टर हैं, जो कि गर्दन के मनके, पीठ के मनके और कमर के मनके का ध्यान रखते हैं, जिसे रीढ़ की हड्डी की रचना के अनुसार डिजाइन किया गया है। स्पाइन के मुख्य 3 हिस्सों के लिए 3 हीटिंग प्रोजेक्टर हैं। तीन हीटिंग प्रोजेक्टर हैं जो कि शरीर के आकार में जब घूमते हैं तब मांसपेशियों के दर्द में आराम पहुंचाते हैं। पेटेंट किया गया ट्रिमोनियम और नैनो डायमंड ट्रिमोनियम। जी हां, आपको हाथ और पैरों में भी थर्मल थेरेपी मिलती है। तो फिर इंतजार किस बात का? न्यूगाबेस N5 की थर्मल थेरेपी रोज करें, स्त्री हो या पुरुष, बच्चे, युवा या फिर बुजुर्ग। मांसपेशियों के दर्द से आराम पाने के लिए
न्यूगाबेस N5 बेड पर थेरेपी ले। पढ़ाई और मोबाइल के उपयोग से होने वाले गर्दन के दर्द से आराम मिलेगा। मांसपेशियों के दर्द में आराम मिलेगा, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी का भी ख्याल रखेगा। बार बार होने वाला गर्दन, पीठ, कमर या फिर हिप्स के दर्द से भी आराम मिलेगा। बुढ़ापे में मांसपेशियों को मजबूत करने का काम न्यूगाबेस करेगा। न्यूगाबेस N5 की फोल्डिंग डिजाइन की वजह से जगह की चिंता करने की जरूरत नहीं। लो फ्रिक्वेंसी बेल्ट और फाइबर प्रोजेक्टर का भी हमारी जरूरत के मुताबिक अलग अलग हिस्सों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य N5 के असर का अनुभव करें और खुश रहें। धन्यवाद।